जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। बोल के लब आजाद हैं तेरे, मैं अभिसार शर्मा। गलतफहमी में आप जीना चाहते हैं तो आप जी सकते हैं। मीडिया अगर आपको बरगलाना चाहती है, भ्रमित करना चाहती है, गलत दिशा देना चाहती है तो आप उस दिशा को फॉलो कर सकते हैं, मगर मैं इस गलतफहमी में नहीं हूं। लोग जश्न मना रहे हैं कि कुलभूषण जाधव जो इस वक्त एक पाकिस्तानी जेल में बंद हैं उसको लेकर भारत को बड़ी जीत मिली है। यकीनन पाकिस्तान की नाक को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रगड़ा गया है, मगर मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। मैं मानता हूं कि भारत को बहुमत से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीत मिली है। अब भारत को काउंसलर एक्सेस मिलेगा, यानी कि कुलभूषण जाधव अब भारतीय राजनयिकों से मिल पाएगा। तो क्या कहता है अदालती फैसला? अदालत यह कहती है, The court finds Pakistan is under an obligation to provide by means of its own choosing effective review and reconsideration of the conviction and sentence of Mr. Jadhav so as to ensure that full weight is given to the effect of the violation of the rights set forth in Article 36 of the Vienna Convention. Pakistan apni marzi ke mutabik ye faisla kar sakta hai. जिस तरह से वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 का उल्लंघन हुआ है उसे संबोधित किया जाए। यही नहीं, इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द कन्विक्शन एंड द सेंटेंस ऑफ मिस्टर जाधव, तो मान सकते हैं हम ये जीत मिली है। मगर भारत के लिए बुरी खबर क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है अदालत के फैसले का यह हिस्सा। यह हिस्सा जो कहता है कि भारत ने अपील की थी कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले को पलटा जाए, जाधव को रिहा किया जाए और सेफ पैसेज टू इंडिया का रास्ता साफ किया जाए, यानी कि वो भारत आ सके। जवाब में अदालत यह कहती है कि इट इज नॉट द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ मिस्टर जाधव विच आर टू बी रिगार्डेड एज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन। अदालत यह कह रही है कि मुद्दा यह नहीं है कि उन्हें रिहा किया जाए या ना किया जाए, मुद्दा यह है कि क्या आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है। और अंत में यह कहा गया है दैट द कोर्ट फाइंड्स दैट दीज सबमिशंस मेड बाय इंडिया कैन नॉट बी अपहेल्ड, यानी कि भारत ने जो कहा था कि उन्हें रिहा किया जाना चाहिए, उनके रास्ता, उनके रिहा के रास्ते को साफ किया जाना चाहिए, सैनिक अदालत के फैसले को पलटा जाना चाहिए, ये तमाम चीजों को खारिज कर दिया गया है। भारत के लिए चिंता की खबर अदालती फैसले का ये हिस्सा है। मगर मेरा डर कुछ और है। मैं ये नहीं भूल सकता कि किस तरह से सरबजीत को एक पाकिस्तानी जेल में मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है इसके कोई मायने नहीं है। आप देख चुके हैं कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी तक को नहीं बख्शा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। और सबसे अहम दो या तीन बातें जिस पर आपको गौर करना होगा। मुद्दा नंबर एक, ये पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट का फैसला है, सैनिक अदालत का फैसला है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में इसे पलटेगा? क्योंकि यहां पर वहां की सेना की साख का सवाल बन जाता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा किस तरह से कुलभूषण जाधव से इकरारनामा करवाया गया, उन पर दबाव डाल के उनसे भाषण दिलवाया गया, याद है आपको वो? आइए उसकी एक झलक देखते हैं। आई एम कमांडर कुलभूषण सुधीर जाधव, नंबर 4155 जुलू ऑफ द इंडियन नेवी। आई एम अ कमीशन ऑफिसर इन द इंडियन नेवी एंड My ally's name was Hussein Mubarak Patel, and I was basically I had visited Karachi on two occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations and subsequent detailed basically gathering and information on the landing sites around Karachi. तो अब
इस सो कॉल्ड इकरारनामे के बाद, कबूलनामे के बाद, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी जनता के सामने पाकिस्तान की कोई साख रह जाएगी अगर पाकिस्तान ने रिहा कर दिया कुलभूषण जाधव को? और यह ना भूलें कि कुलभूषण जाधव पर सैनिक अदालत ने क्या गुनाह साबित किए हैं। नंबर एक, जासूसी। नंबर दो, आतंकवादी हमले। यह कलंक याद है आपको? अजमल आमिर कसा, पाकिस्तान की जमीन से आया आतंकवादी। इस आतंकवादी को भी हमने पूरी लीगल मदद दी थी। इसने अपनी मर्जी से अपने वकील का चुनाव किया था और एक के बाद एक अदालत के फैसलों के बाद इसे फांसी की सजा दी गई थी। चूंकि यह शख्स पाकिस्तान के माथे पर शर्म था, इसलिए पाकिस्तान ने अजमल आमिर कसाब से मुलाकात नहीं की। भारत ने तो एक आतंकवादी को भी तमाम सुविधाएं दी थी, कम से कम काउंसलर एक्सेस, वकील, ये तमाम चीजें। मगर कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये आप और हम कल्पना ही कर सकते हैं। लिहाजा आज की तारीख में जो मीडिया जश्न मना रहा है, मोदी सरकार की वाहवाही कर रहा है, उन्हें दो कदम पीछे हटना चाहिए। इस मुद्दे पर जिंगोइज्म से काम नहीं चलने वाला, इस मुद्दे पर बेसिर पैर की बातें काम करने से काम नहीं चलने वाला। यहां पर आपको सब्र रखना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक अमरीकी CIA एजेंट रेमंड डेविस की कहानी बताने वाला हूं। जी हां, यह तस्वीर देखिए, यह है रेमंड डेविस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27 जनवरी 2011 को शहर लाहौर, रेमंड डेविस जो कि CIA एजेंट है, अमेरिका का निवासी है, वो पाकिस्तान के अंदर दो सशस्त्र पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद एक अमेरिकी वाहन आता है, उसे किसी तरह से रिहा करके भागने लगता है और इस भागदौड़ में एक और पाकिस्तानी की मौत हो जाती है, यानी कि कुल 3 पाकिस्तानियों की मौत। कहने को रेमंड डेविस को तो मौत के घाट उतार देना चाहिए था, फांसी की सजा हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ 3 महीने पाकिस्तानी जेल में रहता है और उसके बाद रिहा कर दिया जाता है। 2 ग्राउंड्स पर। पहला, डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी, यानी कि कूटनीतिक उन्मुक्ति। यह कहा गया कि चूंकि वो एक डिप्लोमैट था, लिहाजा उस पर पाकिस्तानी कानून नहीं चल सकता। और दूसरा और अहम बात, अमेरिका ने रेमंड डेविस की रिहाई के लिए $24 लाख उन परिवारों को दिए जिनके 3 लोग मारे गए थे। मगर यह इसलिए संभव हो पाया दोस्तों क्योंकि वो रेमंड डेविस था, वो एक अमेरिकी नागरिक था, उसका गुनाह साबित था, उसने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कुलभूषण जाधव जो कि भारतीय नेवी का एक ऑफिसर रह चुका है, एक अधिकारी रह चुका है, उसे तो ईरान से अगवा करके पाकिस्तान में लाया गया, उसका क्या गुनाह है, उसको लेकर अभी जबरदस्त असमंजस बना हुआ है। लिहाजा दोस्तों, बोल के लब आजाद है तेरे का मकसद यही था कि कुलभूषण जाधव को लेके जो हकीकत है वो आपके सामने लाई जाए। आपको सब्ज बाग दिखाना बहुत आसान है, आपके सामने एक आशावादी तस्वीर, यही कहा जाए एक झूठी तस्वीर पेश करना तो बहुत आसान है, मगर हम बोल के लब आजाद हैं तेरे में आपके सामने हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबसे मेरी अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।